राम राम। राम राम। नाम क्या आपका? बिपिन भाई। बिपिन भाई। हाँ बिपिन भाई, मनु भाई, मनोरपुर जिला? जिला साबरकोठा, तालुको? हिम्मतनगर। हिम्मतनगर। ये तरबूज में कौन सी जात की हो? वो ब्लैक पर्ल। स्वाति ब्लैक पर्ल। हाँ कहाँ से लाए थे ये लाए थे, डीवीएस में थे। हाँ आपको? तरबूज लगाए हुए कितना, 50 दिन हो गया? 50 दिन हो गया पूरा। और इसमें साइज कैसी है? साइज अच्छी है, और ये जो तरबूज अभी लगा है, बैठक में कैसी है? बैठक भी अच्छी है। यहाँ पे लगभग आपका 8-10 तरबूज लगा हुआ है, बराबर? यानी जो साइज है सब एक रागी है ना। एक सरका है, बराबर? हाँ एक सरका है ये आपके सामने है, सामने। बराबर? ये आपके जो बाजू में ये भी, और जो खेतर है इसमें आप पहली बार तरबूज लगाए हो ना? हाँ पहली बार। ये बाजू भी आप देख सकते हो कि जो पत्ती के नीचे है, बराबर, पूरा एक सरका लगा हुआ है। यानी ये तरबूज है, इस पे पाउडर भी जैसा है जो पत्ती के नीचे है, यानी एक सरका यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जो मनोरपुर गांव है यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि लोग जो वैरायटी चलती है उसी को लोग लगाते हैं, और बहुत विश्वास वाली वो वैरायटी ही लगाते हैं, बराबर। आप लोगों की माहिती थोड़ा दे सकते हो? हाँ हाँ दे सकता हूँ। दे दीजिए। ब्लैक पर्ल वैरायटी है, मधुरपुर गांव में लगाई हुई है मेरे खेत में ही। आप देख सकते हो साइज भी अच्छी है, वेल भी अच्छी रहती है, उसके नंग भी ज़्यादा लगते हुए हैं, यानी लेकिन साइज भी अच्छी है। हाँ जो साइज है एक सरका लगी रहती है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा कम रोग आता है, अब बैठक भी बढ़िया रहती बैठक है ना, भी बढ़िया है। यानी जो कचरी की ये साइज है आपको बहुत कम लगेगी। कचरी ज़्यादा नहीं है, कम है, बेचने में भी कोई तकलीफ नहीं, जय उसका रंग जवान जय भी हरा किसान। भरा हुआ है।